गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑल हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोटरी एक्टुएटर के बारे में। उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि जो हाइड्रोलिक मोटर होती है और जो हाइड्रोलिक पंप होते हैं, ठीक है, दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ होंगे, लेकिन दोनों चीज़ अलग अलग है। अगर लीनियर एक्टुएटर की बात करेंगे तो उसमें सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होगा। रोटरी एक्टुएटर की बात करेंगे तो उसके अंदर हाइड्रोलिक मोटर होगा, लेकिन हाइड्रोलिक पंप है वो अलग चीज़ है। तो उसी को आज हम लोग क्लियर करेंगे। क्या डिस्कस करना है इस लेक्चर में? डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोलिक मोटर एंड हाइड्रोलिक पंप। क्लियर है? बहुत ही मेजर डिफरेंस है मोटर और पंप के बीच में। दोनों रोटेशनल एलिमेंट है, वर्किंग दोनों का सेम है। जैसे फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन अलग है लेकिन वर्किंग सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी क्लास नोट के अंदर नोट डाउन करना है, पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। लेफ्ट साइड पे लिखेंगे हाइड्रोलिक मोटर और राइट साइड पे लिखेंगे हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक मोटर की बात करेंगे तो इट इज़ अ डिवाइस फॉर डिलीवरिंग टॉर्क एट अ गिवन प्रेशर। द मेन एम्फेसिस ऑन मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड टॉर्क दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। हाइड्रोलिक मोटर को क्या कहा जाता है? तो कि इट इज़ अ डिवाइस फॉर डिलीवरिंग टॉर्क एट अ गिवन प्रेशर। हमने जो हाइड्रोलिक फ्लूड यूज़ किया होगा उससे जो प्रेशर होगा या फिर वो जो प्रेशर डेवलप होगा उसको हाइड्रोलिक मोटर क्या करेगा? टॉर्क के अंदर डिलीवर करेगा। एंड एम्फेसिस द मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड टॉर्क दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। हाइड्रोलिक मोटर के थ्रू टॉर्क डेवलप होगा जो इस मोटर के थ्रू ट्रांसमिट होगा, और मैकेनिकल जो भी एफिशिएंसी है वो एम्फेसिस होगी। तो वो जो मेन एम है हमारा वो है मैकेनिकल एफिशिएंसी अचीव करना, टॉर्क अचीव करना। हाइड्रोलिक पंप की बात करेंगे राइट साइड पे, इट इज़ अ डिवाइस फॉर डिलीवरिंग फ्लो एट अ गिवन प्रेशर। पंप क्या करता है? तो कि भाई अपना जो भी रोटेटिंग एलिमेंट्स है उसके थ्रू क्या करता है? तो कि प्रेशर डेवलप करता है या फिर किसी लिक्विड को प्रेशराइज करके डिलीवर करता है, डिस्चार्ज करता है। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, किस चीज़ को एम्फेसाइज करेंगे? तो कि भाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड फ्लो, मतलब कितना क्वांटिटी फ्लूड को डिस्चार्ज करेगा, कितने प्रेशर पे करेगा, उसका फ्लो क्या रहेगा, तो उसको हम लोग एम्फेसिस करते हैं, यानी उसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्लियर है? चलिए सेकंड पॉइंट। हाइड्रोलिक मोटर के अंदर मोटर्स यूजुअली ऑपरेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ स्पीड फ्रॉम लो आरपीएम टू हाई आरपीएम। हाइड्रोलिक मोटर होती है उसकी ऑपरेटिंग रेंज होती है अलग अलग, उसको अलग अलग रेंज पे हम लोग अलग अलग स्पीड से यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे लो आरपीएम आपको बहुत ही कम आरपीएम चाहिए, वहाँ से लेके हायर आरपीएम तब आप उसको डिज़ाइन करके चला सकते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। पंप में क्या होता है? तो कि भाई पंप यूजुअली ऑपरेट एट अ हाई आरपीएम। पंप में ऐसा नहीं होगा, पंप क्या होता है भाई, हमेशा हाई आरपीएम पे, यानी ज़्यादा रिवॉल्यूशन पर मिनट पे ही घूमेगा। और जितना पंप फास्ट घूमेगा उतना वो ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेगा कुछ लिमिट तक, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, मोस्ट मोटर आर डिजाइनेड फॉर बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन सच एज ब्रेकिंग लोड, रोटरी टेबल एक्सेट्रा, ठीक है। जो मोटर होती है हाइड्रोलिक मोटर बेसिकली बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है, जैसे कि ब्रेकिंग लोड, रोटरी टेबल। क्लियर? जैसे हमने देखा था वो हमारे मिलिंग मशीन, सेपर मशीन, उसके अंदर क्या होता है? तो कि भाई टेबल को रोटेट करने के लिए बाई डायरेक्शनल, यानी क्लॉकवाइज भी घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। तो ऐसे एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन। पंप में क्या होगा? इट इज़ मोस्ट सिचुएशन, इन मोस्ट सिचुएशन पंप यूजुअली ऑपरेट इन दी वन डायरेक्शन। आपने कभी नहीं देखा होगा कि पंप उल्टा घूमेगा। पंप को जैसे कंपनी वालों ने, इंडस्ट्री वालों ने डिज़ाइन करके आपके यहाँ भेजा होगा उसी डायरेक्शन में
जो स्टार्टिंग से आया है एंड तक वो उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा, और क्या करेगा, लिक्विड को सक्शन के थ्रू लाएगा, उसके ऊपर वर्क करेगा, उसके अंदर प्रेशर एनर्जी क्रिएट करेगा, काइनेटिक एनर्जी डेवलप करेगा और उसको हाई प्रेशर के साथ डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, कभी उल्टा नहीं घूमेगा पंप, ध्यान से देखना। आगे है, मोटर में भी आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम एज इन इंडेक्सिंग टेबल। मोटर क्या है, कई बार आप उसको आइडियल कंडीशन में रख सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब यूज़ करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो आइडियल कंडीशन में रहेगी, चाहे चालू हो या फिर बंद हो। लेकिन पंप जो होते हैं वो यूजुअली ऑपरेट होते हैं कंटिन्यूसली, स्पेशली हाइड्रोलिक सिस्टम को ध्यान में लेते हुए दोनों पॉइंट आपको कंसिडर किए गए हैं। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर मोटर है तो वो बहुत लंबे समय तक आइडियल कंडीशन में रह सकती है, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो पंप होंगे तो वो कंटिन्यूसली ऑपरेट होते हैं, यानी चलते ही रहते हैं कम ज़्यादा स्पीड से। क्लियर। लास्ट पॉइंट है, मोटर आर सब्जेक्टेड टू हाई स्पीड लोड। मोटर में क्या होता है भाई, तो कि वो सब्जेक्टेड, उसके ऊपर हायर साइड लोड्स डेवलप होते हैं, जैसे कि फ्रॉम द गियर, फ्रॉम द चेन, बेल्ट ड्राइव या फिर बेल्ट ड्रिवन पुली। इससे क्या होता है, तो कि मोटर का शाफ्ट होता है वो कनेक्ट होता है मशीन के शाफ्ट के साथ, बीच में क्या होगा, तो कि गियर होंगे, उसकी वजह से लोड लगता है, चेन से कनेक्ट किया होगा, बेल्ट ड्राइव से कनेक्ट किया होगा, तो उसके ऊपर लोड लगेगा। जहाँ पे अगर पंप की बात करेंगे, मेजोरिटी ऑफ द पंप्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू साइड लोड, यूजुअली पंप आर पैड माउंटेड ऑन अ पावर पैक टॉप, शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द प्राइम मूवर डायरेक्टली। पंप में ऐसा नहीं होता है, पंप में क्या होता है, कोई भी साइड लोड वहाँ पे पंप के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, तो कि पंप को बीच में पावर पैक टॉप या फिर जो पैड माउंटेड होता है उसकी वजह से थोड़ा फ्लेक्सिबल है, प्राइम मूवर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ होता है। जितना प्राइम मूवर घूमेगा, प्राइम मूवर का शाफ्ट जितने आरपीएम से घूमेगा, सेम टू सेम पंप का शाफ्ट घूमेगा। बीच में हमने कहीं पे भी गियर बॉक्स, चेन ड्राइव, बेल ड्राइव नहीं रखा है स्पीड को चेंज करने के लिए, क्योंकि पंप कांस्टेंट स्पीड से ऑपरेट होते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजर डिफरेंस हाइड्रोलिक मोटर और हाइड्रोलिक पंप के बीच में, ये हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन, किसकी एप्लीकेशन, स्पेशली जो हाइड्रोलिक मोटर है उसकी एप्लीकेशन। हाइड्रोलिक मोटर हैव बिकम पॉपुलर इन इंडस्ट्री। हाइड्रोलिक मोटर कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू दी वर्क। दे प्रोवाइड एक्सीलेंट कंट्रोल फॉर एक्सेलरेशन, ऑपरेटिंग स्पीड, डी एक्सेलरेशन, स्मूथ रिवर्सल एंड पोजिशनिंग। कुछ खूबियाँ दी गई है, स्पेशलिटी दी गई है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक मोटर ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है, जैसे कि एक्सीलेंट कंट्रोल फॉर एक्सेलरेशन, जब मोटर का एक्सेलरेशन होता है या फिर डी एक्सेलरेशन होता है तो आप उसको एक्सीलेंटली यानी क्विकली कंट्रोल कर सकते हैं, एबिलिटी है मोटर की। ऑपरेटिंग स्पीड के अंदर रेंजेस मिलती है, फिर डी एक्सेलरेशन जैसे मैंने बोला, स्मूथ रिवर्सल एंड पोजिशनिंग। ओके, सर्वो फीड मैकेनिज्म होता है, आप लोग पढ़ोगे सीएनसी के अंदर जब आगे आएगा तब। दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन एंड एलिमिनेट द मच ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। क्या होता है, तो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इन द डिज़ाइन एंड एलिमिनेशन ऑफ बल्क वेट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। हाइड्रोलिक मोटर है उसको आप लोग फ्लेक्सिबली डिज़ाइन कर सकते हैं, मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली भी, फॉर द पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जिससे उसकी साइज़ कम हो जाएगी, उसका वेट कम हो जाएगा, तो वो थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, इसके लिए उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर। द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक मोटर इज़ देयर वेरियस कॉम्बिनेशन विथ पंपिंग यूनिट आर टर्म हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन।
पंप लोग यूज़ करते हैं हम लोग। पंप, पंप में क्या होता है, तो कहीं से लिक्विड को लाना है या फिर एक पॉइंट पे जहाँ पे लिक्विड है उसको थोड़े डिस्टेंस पे या फिर कोई और ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके डिस्चार्ज करना है। जैसे जो हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके अंदर भी हम लोग हाइड्रोलिक मोटर को यूज़ कर सकते हैं पंप को चलाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो माइनिंग वर्क होता है तो वहाँ पे जो पानी भर जाता है उसको निकालने के लिए हम लोग न्यूमेटिक मोटर यूज़ करते हैं, वैसे हम लोग हाइड्रोलिक मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। द हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इंटू फ्लूड पावर एंड री कन्वर्ट दी फ्लूड पावर इंटू शाफ्ट पावर। अब ये जो हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन है, इस सिस्टम के अंदर जो मैकेनिकल पावर है वो फर्स्ट कन्वर्ट होगा फ्लूड पावर में, फिर उसके बाद एंड पॉइंट पे फ्लूड पावर वापस कन्वर्ट हो जाएगा शाफ्ट पावर में। क्लियर है? एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन इंक्लूड पावर ट्रांसमिशन टू रिमोट एरिया, स्पेशली आपको रिमोट एरिया है उस एरिया में अगर आपको पावर ट्रांसमिट करना है तो इसके लिए हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत ही यूजफुल है। इनफाइनाइटली वेरिएबल स्पीड कंट्रोल, सेल्फ ओवरलोड प्रोटेक्शन, रिवर्स रोटेशन कैपेबिलिटी, डायनेमिक बैकिंग एंड हाई पावर टू वेट रेशियो, ठीक है, ये सब उसकी खूबियाँ है, एडवांटेजेस है थोड़े। हाई स्पीड कंट्रोल, सेल्फ ओवरलोड प्रोटेक्शन, रिवर्स रोटेशनल कैपेबिलिटीज, डायनेमिक ब्रेकिंग, ये सब क्या है, हाई पावर टू वेट रेशियो उसकी खूबियाँ है यानी एडवांटेजेस है हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन के। एप्लीकेशन इंक्लूड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, फार्म ट्रैक्टर, रेलवे लोकोमोटिव, बसेस, लॉन मूवर्स एंड मशीन टूल, ये सारी जगह पे हम लोग हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन यानी हाइड्रोलिक मोटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फार्म ट्रैक्टर, यानी हम लोग जो फार्मिंग करते हैं उसके जो ट्रैक्टर आते हैं, हार्वेस्टिंग मशीन आते हैं उसमें यूज़ होता है। रेलवे लोकोमोटिव यानी रेलवे के जो इंजन होते हैं उसके अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर बसेस है, फिर मशीन टूल में भी उसका यूज़ होता है। मशीन टूल मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया, सर्वो फीड मैकेनिज्म स्पेशली CNC के अंदर यूज़ होती है वो। न्यू फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन आर बिगिन डिस्कवर कॉन्स्टेंटली फॉर हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन, फार्म इम्प्लीमेंटेशन, रोड मशीनरी, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, मशीन हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट, मिलिट्री यूसेज, स्पेशल मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ फ्यू ही थोड़ी फील्ड दी गई है जिसके अंदर फ्लूड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ होता है, लेकिन कई जगह पे ज़्यादातर ऑटोमोबाइल के अंदर, रेलवे इंडस्ट्री के अंदर, रेलवे लोकोमोटिव है उसके अंदर, और जो बसेस होए, जैसे हम लोग ने अभी देखी है जो रिसेंटली जो नई नई बस आई है उसकी डिज़ाइन, उसके अंदर भी हमने देखने को मिलेगा हमको हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। क्लियर? तो ये कुछ फील्ड दी गई है जिसके अंदर हाइड्रोलिक मोटर अभी भरपूर इस्तेमाल हो रही है, और कुछ फील्ड डेवलप भी हो रही है उसके अंदर कॉन्स्टेंटली रिसर्च हो रही है, जैसे फार्मिंग इक्विपमेंट है, रोड मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, अपने मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के जो इक्विपमेंट होते हैं, फिर जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन से ऊपर अभी जो CNC आ गए कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, तो वहाँ पे भी हाइड्रोस्टेटिक मोटर या फिर हाइड्रोस्टेटिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप होके यूज़ हो रही है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर का डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हमने देख लिया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक मोटर एंड हाइड्रोलिक पंप, और साथ ही में हमने देख लिया कि हाइड्रोलिक पंप को अलग करके हाइड्रोलिक मोटर के अंदर उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसके अंदर क्या खूबियाँ है, उसके थ्रू जो हाइड्रोस्टेटिक पावर ट्रांसमिशन करके एक नई फील्ड हमको आज सुनने में आई, तो हाइड्रोस्टेटिक पावर ट्रांसमिशन के थ्रू किस तरीके से हम लोग मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम को या फिर हाइड्रोलिक पावर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी रिसर्च हो रही है, और उसकी जो फील्ड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, वो भी हमने आज लेक्चर में डिस्कस कर लिया। क्लियर? तो आपको सबसे पहले ये जो डिफरेंस दिया गया है हाइड्रोलिक मोटर और हाइड्रोलिक पंप, वो प्रिपेयर कर लेना है क्लास नोट में लिख के,
नोट डाउन करके, तो उसके बाद आपको ये भी जितने भी एप्लीकेशन के पॉइंट है, इंक्लूड हाइड्रोलिक मोटर एंड हाइड्रोस्टेटिक पावर ट्रांसमिशन, उसको भी आपको क्लास नोट के अंदर नोट डाउन करके आज के आज ही प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर? बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर और हाइड्रोलिक मोटर, उसके ऊपर लेक्चर को डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक छोटा सा होमवर्क है, फ्री टाइम में आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि जो हाइड्रोस्टेटिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका और कहाँ कहाँ जगह पे और कौन सी फील्ड में वो यूज़ हो रही है, ये आपको सिंपली गूगल में सर्च करके लिस्ट प्रिपेयर कर लेना है। हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, हाइड्रोलिक मोटर और हाइड्रोस्टेटिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कौन सी फील्ड में कहाँ पे यूज़ होता है वो। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।